Yo, what's happening guys, my name is Logier। आज हम फिर से अपनी दुबई वाली सिटी के अंदर मौजूद हैं और गाइस आप ऑलरेडी मेरी इन्वेंटोरी की तरफ देख सकते हैं कि गाइस आज मेरे पास बड़ा खतरनाक डेकोरेशन का माल है। और गाइस अगर अपने खाने पीने की सप्लाईज की तरफ देखें तो मेरे पास लिटरली सिर्फ चार ब्रेड है भाई, मैं चार ब्रेड से क्या करूंगा। तो एक काम करता है गाइस, आगे बढ़ने से पहले मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत ये फसल तोड़नी है, तो तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये फ्रेश वाले आलू भी मुझे यहाँ पर तोड़ने हैं। लकड़ी गाइस ये आज सुबह सुबह ही ग्रो हुई है, तो गाइस आज मुझे एकदम से फ्रेश आलू खाने को मिलेगा। और चपाती भाई देखे, इससे पहले गाइस मैं फिर से ये जल्दी से ये चीजें उगा लेता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर पकड़ा जाऊंगा। मतलब मेरा पागल कहेंगे। चपाती भाई कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, झूठे मुंह से नाम ले रहे, पहले नहा के फिर मेरा नाम लिए। चल भाई, मैं नहा के आया हूँ भाई, मैं एकदम फ्रेश होके आया हूँ आज। रुक जा, ये बकरियों का किडनैप कर रहे हो भाई। एक मिनट भाई, मैं गोलम को बुला के लेकर आता हूँ भाई। अब शीप का किडनैप कर रहे हो? गोलम गोलम ये हेलो, घर में लेके जा रहा हूँ, पता ना तेरे को। ओ मतलब घर के अंदर भाई आप शीप को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? निकल यहाँ से, मेरे काम कर रहे हो यहाँ पर। अच्छा, क्या कर रहे हो वैसे? बिलोंग करती है इस तबेले के अंदर, और यहाँ से अच्छा, रॉक को भाग वाली है। इसको वापस मुझे सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर वापस लेके जाना पड़ेगा। गाय भागने वाली थी भाई, मैंने बंद कर दिया लकली। तेरे को भाग नहीं जाना यहाँ पर, और आपको पता ना भाई, आपको पता है ना वही ये गाय लोग और ये पिग सब यहाँ से भाग जाते हैं। ये देखो अभी कैसे, ये देखो भाई मैं ऐसे अंदर आ गया। देखा टिकटॉक हैक है भाई, भाई आपसे तेज तो शीप निकली भाई, वो टिकटॉक हैक यूज कर रहे हैं। सही है यार, तो काम करते, मेरे पास एक स्पेयर फेंस बड़ा हुआ, तो ये फेंस हम लगाएंगे यहाँ पर। आप nice. निकल के देखो, नूपड़ा खुद को ड्रीम समझ रहे हो तुम लोग। मैं फिर से अंदर आ गया। कैसे किया यार तू? कैसे यार? मैं वहां से जंप मार के आ गया। गाय और शीट और चिकन का इतना दिमाग नहीं होता की वो फैंस टप के आए। वैसे ये भी बात है, ये भी बात है। और तेरे को मैंने बोल के रखा था खोते इंसान, तेरे को पोस्ट ऑफिस कंटिन्यू करना डेवलपमेंट पर। अरे भाई मैं वहीं पर जा रहा हूँ, तभी तो मेरे पास ये सारा डेकोरेशन की चीजें हैं। तो एक काम करते हैं गाइस, अभी मैं चलता हूँ अपने पोस्ट ऑफिस के अंदर। और अगर गाइस मैं आपको एक्चुअली अंदर से दिखाऊं तो लिटरली गाइस अंदर एक ब्लॉक भी नहीं है, क्योंकि इसका काम था लॉगी को डेकोरेट करना और इसने कुछ किया ही नहीं। अरे भाई मैं अभी वही करने आया हूँ। तो एक काम करते हैं गाइस, हम अपनी डेकोरेशन अभी शुरू करते हैं। तो मैं सोचूं कि क्यों ना यहाँ पर कोने के अंदर पहले लगाया जाए एक एन्चेंटिंग टेबल, उसके बाद गाइस मैं फ्रेशली एंड से लेकर आया हूँ ये खतरनाक एंड रॉड। तो एक काम करता भाई, मैं एंड रॉड लगाऊंगा बार, तो एक एंड रॉड जाएगी यहाँ पर। ये तो उड़ रही है भाई। काम करता भाई, मैं पहले इसको यहाँ पर तोड़ देता हूँ, और मुझे एक्चुअली जगह नहीं मिल रही यार एंड्रॉड की। तो एक काम करते हैं गाइस, एंड्रॉड का हम कहीं और फिर से मैं लगा दूंगा। मामा रहने दे, लास्ट टाइम चीफ तेरी डेकोरेशन देख के बीमार हो गया था, रहने दे इसको। अबे रहने दो भाई, मुझे पता भाई, भाई मैं बड़ा खतरनाक डेकोरेटर हूँ, उसके ऊपर मैं ऐसे लगाऊंगा लीफ। लास्ट टाइम जब इसकी डेकोरेशन चीफ ने देखी तो एकदम उसको चार दिन बुखार चढ़ा रहा। उसके पास वाले गाँव के अंदर जो लोकल तबीब है वहां पर ले जाना पड़ा उसको। बाय द वे तबीब हकीम को कहते हैं, ठीक है ना? तो हकीम के पास ले जाना पड़ा। अभी गाइस मुझे जल्दी से अपने फर्नेस के पास जाना है, क्योंकि गाइस मुझे अपनी ये जो आलू है ये पहले मुझे कुक करने हैं, जो मैंने अभी सुबह सुबह तोड़े हैं। और अभी मैं यहाँ पर क्राफ्ट कर देता हूँ अपने लिए थोड़ा सा ब्रेड। तो पहले लोगी, हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? ये रहा भाई, मैं अपने स्टोरेज रूम के अंदर हूँ। मैंने आपको सपना देखा था, और अच्छा। सपने के अंदर कुछ खतरनाक वाले कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, क्यों ना हम उस कोऑर्डिनेट्स पर जाएं और वहाँ पर खतरनाक खजाना हमें मिल सकता है वहाँ पर। कुछ भी बोल रहे हो भाई, कुछ भी भाई, सपने के अंदर कोऑर्डिनेट्स आए थे भाई। लोगी बात सुन, हाँ बोलो बोलो, सुनिए कोऑर्डिनेट्स हैं 420 और 420। तेरे यहाँ 420 420? अच्छा चलो चलते हैं भाई, मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स 420 और 420 पे क्या मिलता है हमें। खाली करके चलेंगे भाई। ओ ये है, हाँ, लोचा हो गया तो हमें वापस आना भी तो है ना। मैं सारी चीजें यहाँ पे रख देता हूँ। कब से हम यहाँ पर सिर्फ बोट ही चला रहे हैं भाई, जल्दी करो। तेरे पीछे यात्रा करने के लिए बंदे आ रहे हैं तीनों भाई। अबे तीनों नहीं, वो चार हो गए भाई, चौथा मैं भी जाऊंगा। पांचवा फैमिली जा रही है, पांचवा आ गया भाई। वो भाई ये कैसा अटैक हो रहा है भाई मेरे ऊपर, भाई ये कैसी कर्ज जगह पे हम आ चुके हैं भाई। चपाती भाई, चपाती भाई ने हाथ में बो पकड़ा फिर भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। हम सारे जाएंगे, सातवा भी आ रहा है भाई, ये हम सारे जाएंगे, आगे बढ़ो। भाई ये क्या हो रहा है भाई, हम यहाँ पर आए और अचानक से भाई सी के बीचों बीच हमारे ऊपर अटैक हो चुका है। मेरे पीछे कोई भी नहीं आ रहा, सारे लोग के पीछे आ रहे हैं भाई। ये तो मैं ट्रोल हो गया, आ जाओ मारो मारो भाई, ये लो भाई। तो मैं और इनको पास लेकर आ रहा हूँ। कहाँ पर आ चुका है यार, पूरी सेटिंग चेंज हो चुकी है गेम की। भाई मैं आपको नहीं लेकर आया हूँ, आप मुझे लेकर आया भाई। 420 पर वही तो भाई। तो एक काम करता है भाई, सामने हमें भाई आइलैंड दिख रहा है, तो एक काम करता है सीधा वहीं पर ही चलते हैं। ऑलरेडी भाई मैं ये लोकेशन देख रहा हूँ कितनी ज्यादा खतरनाक है भाई। और वो देखो सामने डिस्टेंस के अंदर बीकन भी लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है वहाँ सामने बीकन्स के अंदर कुछ ना कुछ होता ही होगा। वे है वे, मैं बोट से उतरा और मेरी बोरी टूट गई ना। वो मेरी बोट टूट चुकी है। ओ
भाई ये कलर्स कोऑर्डिनेट्स हैं क्या? ओ ये मैं तो खाना भी खा के नहीं आया हूं। मैं तभी तो भाई वही कर रहा हूं, तो एक काम करता है क्या भाई, मेरी सारी अचीवमेंट भी यहां पर रीसेट हो चुकी है। अरे यहां पर तेरा हंगर, मेरा हंगर बार नहीं है, वो तो है। अरे मेरा तो है भाई। तो एक काम करते हैं गाइस, आगे बढ़ने से पहले मुझे यहां पर थोड़ी बहुत ही अपने लिए टूल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि गाइस हमारी पूरी गेम यहां पर ऑलमोस्ट रीसेट हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बनाऊंगा सोर्ड, और तेरी ये तो शवल बन गया। और अभी मैंने यहां पर बना ली अपने लिए एक पिकैक्स। अरे क्राफ्टिंग टेबल साथ में लेकर चल, इतनी वुड नहीं है मेरे पास। चलो आप लेकर आओ भाई, आप पीछे से लेकर आओ। और मुझे यहां पर थोड़े बहुत पिग्स भी ढूंढने हैं, क्योंकि गाइस मुझे यहां पर चाहिए खाना। और मैं यहां पर आसपास देख रहा हूं, यहां पर एक भी मॉब नहीं है जंगल के अंदर। स्केरी हो रहा भाई ये तो। ओ भाई पता नहीं यहां पर कौन सी चीज आने वाली है। और आजो भाई सामने चलते हैं। व्हाट? अबे वो सामने देखो। अरे आपको पिगी मिल गए क्या? वो देखो पूरा पूरा मेरे को तो खाना दिख रहा है। तेरे को पिगी दिख रहा है? मेरे को खाना दिख रहा है। मुझे तो सिर्फ एक ही पिगी दिख रहा है, लेकिन पिगी के पीछे देखो भाई वो कौन सी चीज बनी हुई है? वो पहाड़ है। अरे वो पहाड़ नहीं है भाई, वो देखो सामने कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ, किसी का हेड बना है। ओह माय गॉड, ये तो हीरो ब्रांड लग रहा है मेरे को। ये हीरो ब्रांड? हाँ उसकी आंखें तो भाई एकदम से व्हाइट है, लेकिन ये है कौन सा सेकंड? ये लाल रंग का कौन सा हीरो ब्रांड होता है? तो भाई मैं अभी वही बोलने वाला था कि हीरो ब्रांड तो ये नहीं हो सकता भाई, भले ही उसकी आंखें सेम हो लेकिन हीरो ब्रांड का कलर ये नहीं है। मेरे को तो गिरगिट ब्रांड लगा। और मैंने अभी नोटिस किया, ये देखो ये वुड की सोर्ड कितनी पावरफुल है भाई, वन टैप। अच्छा भाई वो लास्ट वाला वन टैप हो गया था। वन टैप को लेगा वो भी लगता है जो बनते हैं। ओके आ जाओ, एनीवेज अभी आगे चलते हैं। और ये देखो भाई यहां पर ट्री के साथ भी यहां पर क्या हो चुका है, सारे ट्रीज यहां पर फ्लैट हो चुके हैं स्ट्रक्चर के आसपास। पक्का हीरो ब्रांड है यहां पर। अरे भाई ये हीरो ब्रांड नहीं हो सकता भाई, ये तो मुझे आयरन मैन का बेस लग रहा है। चल बे अंदर जाके देख अंदर क्या है, अंदर कुछ खतरनाक चीज हो सकती है। आ जाओ भाई सीधा अंदर हल्ला करते थे। अरे नेदरराइट का आर्मर यहां पर पड़ा हुआ है भाई। हैंग ऑन अ सेकंड, आयरन मैन नेदरराइट का आर्मर पहन के घूम रहा है, ये कैसे हो सकता है? करते चलो ले लेते हैं यहाँ से। तो नेदरराइट का आर्मर मैं पहले यहाँ पर जल्दी से पहन लेता हूँ। और चेस्ट के अंदर क्या पर? ओहो भाई यहाँ पर सोर्ड भी पड़ी है। और चपाती भाई आए, उससे पहले मैं सारे ये 9 चैपल्स ले लेता हूँ। मेरे को भी दे भाई, मेरे को भी थोड़ी बहुत चाहिए। क्या? अरे भाई वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 दाने पड़े हुए थे। ये लो मैं आपको एक दे देता हूँ। सोर्ड बच्चे तेरे को लगानी पड़ेगी इस सोर्ड से। भाई भाई मेरी तो सिर्फ हाफ आर्ट गई। अच्छा फिर ट्राई करूँ? हाँ हाँ मारो भाई, ये मेरी सिर्फ हाफ आर्ट जा रही है। ये आउट इनके कोऑर्डिनेट्स की कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। 420 420 ये आई थिंक मिलकर सारे हमको लगता है 420 बना रहे हैं। गड़बड़ नहीं है भाई, मैंने फुल नेदरराइट का आर्मर पहना है। सॉरी चल नीचे चल। ओके आ जाओ अभी नीचे चलते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर नीचे कुछ ना कुछ यहाँ पर बना होगा। तो एकदम से गाइस हम क्राउच करके जाएंगे। और क्या पीछे से पीवीपी करने की कोशिश कर रहे हो? आर्मर पीछे से भी मजबूत है कि नहीं है? अबे भाई सब जगह से मजबूत है। अबे क्या कर रहे हो भाई, हमें आगे बढ़ना है। ओ ये हम कहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पर तो सिर्फ एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। काम करते हैं आ जाओ, सबसे पहले ये चीज यहाँ पर खोलते हैं गेट। और आ जाओ भाई अभी आगे बढ़ा। अबे अटैक हो चुका है भाई, अटैक हो चुका है। मारो मारो आयरन मैन को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, पागल है क्या? भाई तो भाई मैं वही बोल रहा हूँ। और मैंने अभी देखा कि ये देखो भाई, अरे ये देखो ज़ॉम्बी ने ये ड्रॉप किया भाई, ज़ॉम्बी ने ये चीज ड्रॉप की है। हमने ज़ॉम्बी को इतना मारा, ज़ॉम्बी का गोबर बाहर आ गया। अरे ये इंटेंडेड गोबर है भाई, टियर 2 वाला गोबर। भाई ये कितना स्केरी था गाइस, हम जैसे ही अंदर हमने पैर रखा ऊपर से ज़ॉम्बी आ गए। तो मुझे लगता है गाइस यहाँ पर अच्छा ट्रिप वायर लगी हुई है। और आज अभी आगे बढ़ते हैं ठीक है ना। और आगे यहाँ पर ओहो भाई मोटे मोटे नेदरराइट के ब्लॉक्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। आयरन मैन ने गोल्ड क्यों माइन करके रख रहा है भाई? सामने क्रीपर की प्रोटेक्शन भी उन्होंने लगा के रखी है। तो आज अभी आगे बढ़ते हैं। दिमाग के अंदर बैठ ही नहीं रही, आयरन मैन आयरन माइन कर रहा है ना, गोल्ड क्यों माइन कर रहा है? अरे भाई वो आयरन मैन है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। अबे आ गया भाई, पर वो क्या नॉकबैक लगा भाई स्टैंडर्ड नेदरराइट की सोर्ड के ऊपर। तो ऐसे भाई मैंने सीधे इसके ऊपर जंप मार दिया और मैंने मार दिया इसको। अबे डब्बा खोलना यार, क्या माइन कर रहा तू? ओके आ जाओ भाई डब्बा खोलते। तो गाइस अगर मैंने ये डब्बा खोल लिया तो ओहो माय गॉड भाई, अंदर तो आयरन मैन का टियर 5 सूट पड़ा है। ओ मैं भी आ रहा हूं, रुक जल्दी आ जाओ भाई, मैं सारा उठा लेता हूं। यहां पर 2-2 जोड़े पड़े हैं भाई। मतलब आयरन मैन ने बैकअप के लिए आर्मर रखा हुआ है। नाइस भाई, उसके लेफ्ट हैंड मैन है जो कि मैं हूँ भाई ऑब्वियस। ओहो भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये देखो मेरी स्क्रीन एकदम से भाई ये पर ब्लू हो चुकी है। और अगर मैं चपाती भाई की तरफ देखूं तो चपाती भाई को मैं लिटरली गाइस यहाँ पर एक्सरे कर सकता हूँ। ओबे मेरे को तो दिखा रहा है कि तू अंदर से पूरा गोबर से भरा। अरे ये देखो भाई सारी चपाती भाई के स्टैट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं भाई, आपके वाइटल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और मैं नीचे मॉब भी देख रहा हूँ, तेरे को मॉब दिख रहे हैं नीचे? पर ओ ये मुझे नीचे मॉब्स दिख रहे हैं। और देखो भाई मुझे भाई ये तो मैं भी उड़ सकता हूँ। ये देखो भाई क्या एनिमेशन के साथ यहाँ पर उड़ता है। चलो आजा बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। करते हैं भाई, मेरे को तो खतरनाक वाला सूट मिल चुका है। लेट्स गो। और ये देखो भाई क्या एनिमेशन के साथ हम यहाँ पर उड़ रहे हैं। और ऐसे में नीचे भी आ गया। अरे यार इसकी एनिमेशन एकदम बेस्ट है। अरे तू तो सच्ची में आयरन मैन लग रहा है यार। लेट्स गो, लॉगी सेव द डे, लेट्स गो। अरे भाई अभी तक हमने एक एबिलिटी भी यूज नहीं की है। चल तेरे पास कौन कौन सी एबिलिटी है? तो एक काम करते भाई, सबसे पहले हम ऑब्वियसली भाई सबको पता है कि आयरन मैन के पास यहाँ पर रिपल्सर्स हैं, तो पहले हम यहाँ पर रिपल्सर मारेंगे। अरे उससे ट्री भी
एकदम से रिमूव हो जाते हैं भाई, कितना खतरनाक वाला आर्मर है ये। अच्छा, तो तभी मुझे लगता है यहाँ पर ये देखो इस स्ट्रक्चर के आर पार सारे ट्रीज यहाँ पर फ्लैट हो चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है आयरन मैन यहाँ पर कब से रिपल्सर मार रहा था अपने। ओके अभी हम यूज करेंगे नेक्स्ट वाली पावर, और अगर मैं यहाँ पर एफ दबाऊं तो लेट्स गो। वाओ भाई, ओह माय गॉड, डबल बीम चल रहा है यहाँ पर, बीम यहाँ पर मार सकता हूँ। आ जाओ भाई पिक के ऊपर टेस्ट करते हैं। हेलो पिक, नीला कैसे हो गया यार, बीमार है क्या वो? अरे भाई भाई आपको पता नहीं है भाई आयरन मैन की आंखों के अंदर लेजर लगी हुई है खतरनाक वाली। लेजर तो मेरी कड़छी के अंदर भी लगी है भाई। लेट्स गो, और पिक भाई एक ही हिट में मर गया। और अभी हम यूज करेंगे दी लेजेंडरी यूनी बीम, जो बिल्कुल बीच से निकलती है भाई चेस्ट प्लेट के अंदर से। तो अभी अगर मैं ऐसे F5 दबाऊं तो लेट्स गो। अच्छा तेरे को एबिलिटी लर्न करनी पड़ेगी पागल, गधे ट्रोल हो गया। अरे मेरी चल रही है, लेट्स गो। अच्छा बाती भाई कैसे मार रहे हैं भाई, आपने कुछ हैक यूज किया है मुझे लगता है यहां पर। मैंने नई बैटरी डाली अंदर, पता है ना, ड्यूरासेल वाली खतरनाक वाली। भाई आपने एक्चुअली क्या किया भाई, मुझे बताओ। क्रिएटिव में चल रहा है। अच्छा क्रिएटिव में खेल रहे हो, एक मिनट मैं भी आता हूं। और क्रिएटिव के अंदर भी यहां पर अभी तक हमारे पास ये खतरनाक फ्लाइंग वाला एनिमेशन है। तो एक काम करते हैं गाइस, अभी हम क्रिएटिव के अंदर तो आ ही चुके हैं, तो आज अभी हम अपनी पावर्स यहां पर टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मारेंगे यहां पर यूनी बीम। ओबे निकल रही है, लेट्स गो। हां कहां से निकल रही है, खतरनाक है भाई। वो देखो भाई एकदम से बीच से निकल रही है जहां पर वो ब्लू चीज बनी हुई है। चल चल चल, इसके बाद कौन सी पावर है इसके पास? यहां पर लिखा है प्रेस जी टू सेलेक्ट पावर। ओ माय गॉड, कितनी सारी पावर है छोले के पास भाई। तो एक्चुअली अभी हमें ये यूज कैसे करनी है? तो अगर मैं यहां पर वी दबाऊं तो अभी ये हुआ क्या? वाओ, अरे उसने बाज़ूका निकाल लिया अपने हाथ में से। यो, ये कितनी खतरनाक पावर थी। और वो बाज़ूका चेस कर रही है मॉब्स को। आ जाओ भाई अभी दूसरी पावर टेस्ट करते हैं। अभी हम ये वाली पावर। वाओ, बच गया, मेरे पर अपना मार दियो। कितनी खतरनाक पावर थी भाई ये वाली भी, इसकी कितनी खतरनाक पावर है। ये वाली पावर हम टेस्ट करेंगे पीके के ऊपर। आ जाओ आ जाओ, चल ये ले लॉगी। क्या 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 पूरी आ रही है, मैंने समन कर दिया इनकी। चल ओके रेडी हो ना भाई। वो लेट्स गो भाई, मैंने गलती से यूनी बीम मार दी वाले बाज़ूका बार इनके ऊपर भाई। एक ही बार है, चल एक मिनट भाई, वो खतरनाक वाली पावर मारते हैं। आई थिंक ये वाली थी। तो अभी अगर मैं यहाँ पर वी दबाऊं तो लेट्स गो। अबे कुछ भी नहीं हुआ। ये स्ट्राइक है, उसके बाद बंदूकें आती हैं ऊपर से इनको मार के चली जाएंगी। वो तो फ्रीज हो गया भाई, वो देख रहे हो ना भाई, वो बंदा एकदम से फ्रीज हो गया। डब्बे उसके बाहर आने के लिए जगह नहीं है, प्लीज हो गया। अच्छा भाई आ जाओ, अभी नेक्स्ट पावर मारते हैं। तो अभी अगर मैं एच दबाऊं तो ये क्या? वाओ, ये कर रहा है, देख रहा ना भाई मेरा एक्शन खतरनाक वाला। लगा था उसकी कमर टूट गई। एक मिनट भाई, मैं फिर से एक्शन मारता हूं। तो अभी अगर मैं ऐसे नीचे आऊं और फिर एच दबाऊं, अच्छा पावर डिसेबल ही हो गई। तो चलिए गाइस, आई थिंक अब इस वीडियो में इतना ही काफी है। तो होप यू एंजॉय, तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।